हेलो साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। अभी बिहार इंटीग्रेटेड बीएड का जो रिजल्ट की प्रोसेस आएगा तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जब आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंटों पर आपके सर्टिफिकेट पे जब आप डाउनलोड करेंगे आपका रिजल्ट को, तो उसमें क्या होंगे, आपको क्वालिफाइड मिलेंगे। लेकिन बिहार में अभी वर्तमान में 400 सीट है, यानी चार कॉलेज है, प्रत्येक कॉलेज को 100 सीट दिया गया है। तो सबसे पहले क्या होगा, रिजल्ट होगा। रिजल्ट जैसे ही होगा तो काउंसलिंग का डेट होगा कि इस डेट में आप इतने स्टूडेंटों को ये लोग बुलाएंगे। जैसे ही काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है, पिछली बार जुबली हॉल दरभंगा में किया गया था, यानी बिहार इंटीग्रेटेड बीएड का ये जो काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया होती है ये जुबली हॉल दरभंगा में है, ठीक ना। ये जो मनोकामना मंदिर है, मनोकामना मंदिर अगर कोई दरभंगा से होंगे या उनके आसपास से होंगे, समस्तीपुर सबसे होंगे तो दरभंगा कभी गए होंगे तो जानते होंगे, मनोकामना मंदिर के जस्ट बगल में एक गेट होगा, वहाँ एक है जुबली हॉल, उसमें पिछली बार हुआ था। इस बार 2022 में अभी पूर्ण नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कहाँ आपका काउंसलिंग होगा, लेकिन उम्मीद ज्यादा है कि आपका यह जो जुबली हॉल में ही होगा। ये तो हो गया, जान गए। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है, आपकी पूरी प्रक्रिया जो होगी एक काउंसलिंग में, आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, सारी प्रक्रियाओं को ये लोग मांगते हैं कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको ओके करना है, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंटों का डाउट है कि सर मेरा माइग्रेशन क्या होगा। देखिए, ये लोग क्या करते हैं, कभी ऐसा देखेंगे जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे ना, वैसे ये लोग डिफिनेट करते हैं कि माइग्रेशन जरूरी है, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, जिनके पास माइग्रेशन नहीं है तो ये लोग कॉलेज से पहले बात करना पड़ता है। कॉलेज से बात करने का सेंस है, जब आप काउंसलिंग में जाएंगे, एक काउंसलिंग में एक बात होती है, अगर मान लीजिए काउंसलिंग में सबसे पहले आप जाइएगा तो सब्जेक्ट को लेकर चूज कर लीजिएगा कि आखिर मुझे बीए बीएड करना है कि बीएससी बीएड करना है, ये सब पहले सोच लीजिएगा, ठीक ना। ऐसे नहीं काउंसलिंग में जाके सोचिएगा कि अच्छा बीए बीएड करें कि बीएससी बीएड करें, ये सब पहले सोच लीजिएगा। जब काउंसलिंग में जाने से पहले सब कुछ सोच लीजिएगा कि सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट को लेकर भी चूजा कर सकता है कि हिंदी, आप आर्ट से अगर बीए बीएड कर रहे हैं तो हिंदी रखें, तो उसमें क्या है, आपको उस सब्जेक्ट का, जैसे किसी का जूलॉजी रखना है, ठीक, तो वहां सब्जेक्ट शो करेगा कि ये सीट अभी भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, ठीक। तो ऐसे सब्जेक्ट को आप लोग क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं जो आपको खाली रहेगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जब फर्स्ट प्रक्रिया होगी, ऑनलाइन की पूरी प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी, तो सबसे पहले जो टॉप रैंकर है ना उनको बुलाया जाएगा। तो फिर क्या होता है, जैसे किसी को फिजिक्स रखना है, मैथ रखना है, तो ऐसे आप रख सकते हैं, ठीक। तो ये लोग आपको डिफाइन कर देंगे, वहां सभी चारों कॉलेज के जो एक दो टीचर रहेंगे, तो आप पहले एक बार डिफिनिट है, मैं बताता हूं पर्सनली, ठीक ना, वैसे आपको कोई टीचर नहीं बताएंगे। चार साल का कोर्स है, चार साल कहीं घर में रहना है। मान लीजिए एक बार बताता हूं, सबसे पहले कहीं स्टूडेंट हैं, कहीं आप रूम लेकर रहते हैं, तो दो महीना तीन महीना रहने के लिए सोचते हैं क्या कि रूम अच्छा है कि नहीं, वहां आसपास कौन रहता है, अच्छा है कि नहीं, क्या अच्छा है, वहां का माहौल कैसा है, कि मेरी मकान मालकिनी जो है वो अच्छी है कि नहीं, दो तीन महीना के लिए रहते हैं तो इतना सोचते हैं, तो क्या चार साल रहना है। तो सबसे पहले चारों कॉलेज बेस्ट हैं और मान्यता प्राप्त है, ठीक। फिर भी जो टॉप रैंकर हैं, ठीक ना, फिर मैं उनसे एक बार जरूर कहूंगा कि जो कॉलेज में आप लोग पढ़ाई होता है, वो लोग मेरे ख्याल से एज ए मेरे अगर अकॉर्डिंग कहते हैं, तो आप एक बार जरूर पता कर लीजिएगा, एक बार एडमिशन से पहले उस कॉलेज में जाके देखिएगा, बच्चों से बात कीजिएगा, ठीक ना, कि पढ़ाई कैसे होता है, क्या होता है, ठीक ना, फिर आप अगला डिसीजन आप खुद ले लीजिएगा, ठीक। बच्चों से, क्योंकि वहां के बच्चों, जैसे आप देखेंगे कि कौन से कॉलेज में सबसे ज्यादा पढ़ाई होता है, ठीक, वैसे बिहार में पढ़ाई की तो बात कहते हैं तो थोड़ा आश्चर्य लगता है कि सरकारी स्कूल का जो पढ़ाई का जो ढांचा है ना, वो सब कुछ चौपट कर दिया है, फिर भी कहीं ना कहीं अब ये सरकार जो अच्छी कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप पढ़ाई को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना, कि क्या सा कॉलेज बेस्ट है, बेस्ट चारों कॉलेज मान्यता प्राप्त है, तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि आपका ये कॉलेज है कि ये बेस्ट है, ठीक ना। आपके अपना जो मन करे, आप किसी पेरेंट्स से, क्योंकि चार साल किसी कॉलेज में रहना है ना, अब मैंने बताया ना कि दो महीना रूम रेंट अगर कहीं रहते हैं, स्टूडेंट है तो कहीं रहते होंगे, कहीं पढ़ाई करते होंगे तो इतना सोचते हैं, तो चार साल किसी कॉलेज में रहना है सबसे पहले जानना जरूरी है ना, ठीक ना, तो ये जान कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद ये रिजल्ट की पूरी प्रक्रिया जो होगी वो पूरी पारदर्शिता होती है, उसमें कोई अगर इसमें कोई डाउट होगा तो वो कुछ नहीं होता है, जो आपने लिखा है बस उसका रिजल्ट उसी प्रकार होता है, ठीक। तो इतना जान गए, तो पूरी प्रक्रिया आपने जाना। अब आती है बात क्या,
कि सर रिजल्ट में मेरिट लिस्ट कितना तक जाएगा। ठीक, तो एक दो दिन बचा हुआ है, रिजल्ट आने दीजिए। लेकिन मेरी उम्मीद पूरी है कि क्या होगा, देखिए इस बार क्या हुआ था, पिछली बार की अपेक्षा इस बार विद्यार्थियों ने ज्यादा फॉर्म भरा था। जब ज्यादा फॉर्म भरता, कंपटीशन लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों का जो है यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि स्कोर मैंने देखा है सर 75-70 ये सब अच्छा स्कोर माना जाता है, ठीक ना। तो 50 प्लस जितने स्टूडेंट हैं, तो 50 प्लस अगर मार्क्स हैं तो होने की ज्यादा पूर्ण रूप से संभावना ज्यादा है कि आपकी हो जाएगी 50 प्लस वाले को, ठीक ना। देखिए ये रैंक पर भी निर्धारित करता है, तो सबसे पहले आपका 45 में भी हो सकता है और अच्छे कॉलेज में भी हो सकता है। तो अपने ख्याल से ये सब आप पूरे देख लीजिएगा। पूरे कॉलेज में रहना है तो सबसे पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी है, 4 साल रहनी है, ठीक ना। तो आपको उसके बाद जब पूरे आप कर लीजिए, उसके बाद आपको सब्जेक्ट को लेकर पहले सोच लीजिएगा। ऐसा नहीं होगा, मैं बार बार कर रहा हूँ कि वहां जाइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट डाउट रहते हैं कि सर वहाँ काउंसलिंग हॉल में, जुबली हॉल में पिछली बार ऐसा हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंटों ने फोन करना शुरू किया, सर अभी तो हम सोचे ही नहीं है कि बीए बीएड करे कि बीएससी बीएड करे, आप 2-4 मिनट में आपको डिसीजन लेना है, चलो बीए बीएड कर लेते। ऐसा नहीं है, पहले आप सोच लीजिए कि मुझे, देखिए उसमें बीए बीएड नाम ही है, बीए बीएड या बीएससी बीएड, उसमें आपको क्या मिलता है, ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री मिलती है, साथ साथ आपको बीएड की डिग्री मिलती है। यह एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ठीक ना। जो अभी बिहार में देखिए यहाँ फी की जहां तक बात चल रहा था, तो उसमें मैं फी को ही इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। देखिए फी को लेकर क्या है, अभी जो कॉलेज के अकॉर्डिंग 70,000 के अप्रोक्स शायद प्रत्येक साल लग रहे हैं, ठीक, प्रत्येक साल यानी एक साल का शायद 70,000 के आसपास है, सभी कॉलेज की फी समान है। सरकार को इस बात पर नेक्स्ट टाइम से ध्यान देने की पूरी जरूरत होगी, क्योंकि बिहार में कॉलेज को बढ़ाया जाए, ठीक ना। देख सकते हैं आप, फैन बंद कर रहा हूँ, रखा हूँ, क्योंकि आवाज जो है आप तक, बाहरी आवाज आप तक ना पहुंचे, तो फैन बंद है, वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक ना। एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक। तो मैं बात कर रहा था, ये आपको ये जो प्रोसेस, जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रकार होगी फी को लेकर। तो फी जो है अभी सरकार को कॉलेज बढ़ाना चाहिए, जब कॉलेज बढ़ेगा ना तो उसकी फी में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन अभी तो फी वही है 70,000 के आसपास जो है पर ईयर लगता है। लेकिन अगर आप बीएड 2 वर्ष के करते हैं, फिर भी 1.5-2 लाख के आसपास लगता है। तो यह जो प्रोग्राम है इंटर स्टूडेंट के लिए रखा गया था, तो यह पूरी प्रक्रिया है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से कोर्स को कर सकते हैं, ठीक। अगर आपके फैमिली सब अफोर्डेबल हैं कि इतना कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए, क्योंकि मेरी तो डेफिनेट है कि आने वाले समय में, सरकार भी कहती है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2021 का जो है, उसमें पूर्ण रूप से है कि 2030 तक उनका टारगेट है कि डीएलएड को खत्म कर दिया जाए, ठीक ना। ये हमारा जो इंटीग्रेटेड बीएड का जो प्रोग्राम है, यही पूरे भारत वर्ष में चलेगा, ठीक ना। तो सरकार इस पर काम चल रही है, ठीक ना। आप इंटीग्रेटेड बीएड करते हैं तो आप डीएलएड जितना अगर 1-5 के लिए भरते हैं तो आप भी भरेंगे, ठीक ना। तो आपके लिए इतना बेहतरीन फायदा है, ठीक ना, कर सकते हैं, अच्छे बेहतरीन कोर्स है, तो ठीक। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, अगर कहीं भी अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक ना। इसका सवाल, सभी सवालों का जवाब, देखिए बहुत सारे कमेंट आते हैं तो उसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं हद तक कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से। देखिए ऐसे एक सवाल किसी को अगर कोई आपने एक कमेंट किया कि सर इसका काउंसलिंग कब होगा, ऐसे 10 कमेंट है, तो 10 जगह से लिखने से अच्छा है 2 मिनट का अगर आप लोग को वीडियो बना देता हूं, तो ये आप लोग को फायदेमंद होता है। देखिए इंटीग्रेटेड बीएड को लेकर सच्चाई है कि बिहार में कोई ऐसे चैनल या टीचर नहीं है जो इसको लेकर अभी आए हैं, ठीक ना। तो इतना कॉपरेट कर रहा हूं आप सभी के लिए, ठीक ना। तो प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए अपने लाइफ में, और शरीर पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरा छोटा भाई है, उसका तबियत खराब हो गया था, तो पिछले आप एग्जाम के टाइम में 2-3 दिन आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी। तो आपने शरीर पर स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और थोड़ा सेहत पर भी ख्याल रखिए, वो बहुत बीमार पड़ गया था। तो फिर ऐसे आप लोग इतने प्यारे हैं जो बोलना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ अगर कुछ घटता है तो मैं आप लोग के साथ बताता हूँ। तो इसीलिए प्लीज अपने सेहत पर भी ख्याल रखिए ज्यादा, अगर रिजल्ट को लेकर अगर इसमें डाउट नहीं भी होता है तो डरने की कोई बात नहीं है, जिंदगी का यही अंतिम पड़ाव नहीं होता है, जीवन में और बहुत सारे कुछ हैं जो करना है, तो फिर उसको आप कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। 10 मिनट की वीडियो हो रही है, लेकिन फैन बंद किया हुआ, देख सकते हैं कितनी पसीना
निकल रही है, ठीक ना। तो इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है, उस वीडियो से कुछ भी सीख मिलता है तो प्लीज, अगर कुछ भी सीख मिलता है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक तो जरूर कीजिए। आप लोग लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं। तो फिर मिलते हैं।